Dear trainees, assalamualaikum. alaikum. Today's lesson is creating multiple invoices at once. You may ask why would we need to create multiple invoices at once for multiple clients and customers as well? The answer is that sometimes we need to develop multiple invoices based on a service or product that we are offering. कि हम मल्टीपल इन्वाइस बना रहे हैं रीज़न बीइंग कि आप ये देखें मिसाल के तौर पे आप किसी इलाके में किसी आबादी को आप एक ख़ास किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं केबल टीवी। अब केबल टीवी के तमाम घरों में आपकी जो फीस कलेक्ट करनी है आपने वो यकसा होगी और वो महीने के आखिर पे या महीने के शुरू में ही उसकी इनवॉइस जनरेट की जाएगी इसी तरह अगर आप किसी बिल्डिंग का रेंट ले रहे हैं दुकानों का तो एक फ्लोर की तमाम दुकानों का या एक टाइप की तमाम दुकानों का रेंट एक ही होगा और ये तमाम रेंट आप एक ही वक्त में तमाम लोगों की इनवॉइस बनाना चाहेंगे इस तरह के और भी बहुत से मेंटेनेंस के और सर्विसेज के ऐसे काम हैं जिसमें हम अपने बहुत सारे क्लाइंट बेस के साथ काम करते हैं और एक टाइप ऑफ क्लाइंट्स को एक ही टाइप की इन्वाइस भेजी जाती है भले वो आपके घर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हों आपके घर में केबल टीवी आ रहा हो आपके घर में इंटरनेट हो ये तमाम फैसिलिटीज़ देने वाली कंपनियाँ एक टाइप की फैसिलिटी का एक ही चार्ज करती हैं आप ये कर सकते हैं कि एक टाइप के क्लाइंट्स का एक ग्रुप बना लें मिसाल ये है कि आप एक इलाके में चार एम और आठ एम के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अब आप उन 200 सौ को जिनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं महीने में एक दफ़ा इन वॉइस करते हैं हमारे पास आप ये समझें कि उन 200 में से 120 घर ऐसे हैं जो चार एम पर पे चल रहे हैं और 80 घर ऐसे हैं जो आठ एम पे चल रहे हैं अगर आप एक एक करके इन बनाना शुरू करेंगे तो आपको 200 सौ इन बनानी पड़ेंगी लेकिन अगर आप इनके दो ग्रुप बना दें तो आपको सिर्फ एक वक्त में दो इन वॉइसों में ये सारा काम कर सकते हैं एक 120 सौ बीस इन जिनको आप चार एम दे रहे हैं एक वक्त में क्रिएट हो जाएंगी और अस्सी इन वॉयसें जिनको आप आठ एम दे रहे हैं वो एक वक्त में क्रिएट हो जाएंगी तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि बैच प्रोसेसिंग में जब हम मल्टीपल इनवॉइसेस एक साथ बनाएंगे तो हमको हर किस्म की मुश्किल से दूर रहना पड़ेगा एक चीज़ और याद रखें इससे पहले कि हम मल्टीपल इनवॉइसेस बनाना शुरू करें हमें हर फर्द को हर कस्टमर और क्लाइंट को रजिस्टर करना कंपलसरी है और ये बताना भी कंपलसरी है कि ये किस टाइप का क्लाइंट है नंबर वन टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है क्योंकि इस सर्विसेज पे टैक्स भी होता है नंबर टू आपको ये भी बताना है कि हमने ये इनवॉइस उसको किस तरीके से देनी है नंबर तीन हमको ये भी बताना है कि इनवॉइस फौरी तौर पे उसको पहुंच जाए या हम इसको बाद में निकाल के उसको प्रिंट करके भेज देंगे ये तमाम चीज़ें हम एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देंगे एक दफ़ा रजिस्टर कर लेंगे और हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे सो बेसिकली वॉट वी आर डूइंग क्रिएटिंग बैच इन्सिस to facilitate us, but you should remember that each and every customer is registered with correct information for creating that invoice. हो सकता है कि वो जिसको हम ये सर्विस दे रहे हैं एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट का इदारा हो और उसके प्रेमिसिस पे जब हम ये सर्विस देंगे तो वो टैक्स एग्जैम्प्ट हो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे ये काम चले ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से टैक्स कैलकुलेट किया जा सके और हमारी इन्वासी भी बन जाए हो सकता है कि वो रेजिडेंशियल घर हो हो सकता है वो कमर्शियल इदारा हो जिसको आप ये दे रहे हैं रेजिडेंशियल घर का टैक्स फ़र्क है कमर्शियल इदारे का टैक्स फ़र्क है इसलिए आपको कस्टमर को सही तरीके से रजिस्टर करना ज़रूरी है इस काम के लिए क्योंकि हम 200 सौ निकाल रहे हैं इंडिविजुअली नहीं निकाल रहे दो सौ बैग वक्त निकालने लगे आइए देखते हैं क्विक बुक्स में ये कैसे होता है अब हम अपने पास क्विक बुक्स में मल्टीपल इन्वाइस या बैच इन्यस क्रिएट करने लगे इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कस्टमर्स में और कस्टमर्स में जहाँ ये लंबी लिस्ट आपको एक नज़र आ रही है उसमें एक नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा क्रिएट बैच इन्वासिस हमने इस ऑप्शन को चूज़ करना है सिलेक्ट करना है और एंटर करना है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि क्या आपने इस क्लाइंट या कस्टमर के साथ तमाम चीज़ें रजिस्टर कर ली हैं जिसमें उसका सेल टैक्स है उसको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी कैसे है बाई पोस्ट भेजनी है ई करनी है सारी इन्फॉर्मेशन है और ये बताना है कि ये टैक्सेबल के अलावा इसके साथ टर्म्स हमने क्या डिसाइड किए हुए हैं क्या इसने ये चीज़ें दस दिन के अंदर हमें दे देने हैं पैसे बीस दिन में देने हैं या विद इन अ मंथ कभी भी पेमेंट कर दे ये तमाम चीज़ें हमें इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ रजिस्टर करनी चाहिए अगर ये हैं तो फिर हमें प्रोसीड करना चाहिए अगर हमने ये नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली ये पहले कर लें आमतौर पर जब आपको कोई बाहर का जॉब मिलेगा तो याद रही रखें कि ये चीज़ें आम तौर पर होंगी अगर ये कस्टमाइज नहीं है तो आपको करनी है आपने अपने जो भी कस्टमर जिसने आपको ये काम दिया उससे पूछें कि ये सारी चीज़ें मुझे फिल करवा के आगे गाइड करें अब जैसे ही आपने ओके किया तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ गई है अपने कस्टमर्स की बेस्ट आइडिया तो ये है कि जो जो कस्टमर्स आपने चूज करने हैं उनको उनके नाम से चूज़ करें और सेलेक्ट करते जाएं यहाँ आपको लुक फॉर या सर्च की फील्ड दी जा रही है यहाँ आप जो चीज़ करेंगे जिसका नाम लिखेंगे उसे आप सर्च करें वो आपको मिल जाएगा और क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है हो सकता है कि इसमें आपको सर्च ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े याद रहे कि हमारे पास इस टेस्ट इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे यूजर्स या हमारे कस्टमर्स पहले से ही लिस्टेड हैं अगली चीज़ जो आपको यहाँ एक नज़र आ रही है वो कहलाती है बिलिंग ग्रुप बिलिंग ग्रुप जो कि मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि इस्तेमाल करें बिलिंग ग्रुप एक ग्रुप है कस्टमर्स का जिन तमाम को उस पीरियड के लिए एक ही टाइप ऑफ इन्वाइस जानी इन आर केस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सर्विस दे रहे हैं इंटरनेट की तो हमारे पास दो टाइप ऑफ बिलिंग ग्रुप्स हो सकते हैं एक टाइप वो जिसको हम चार एम का इंटरनेट दे रहे हैं और दूसरा ग्रुप वो जिसको हमने आठ एम का इंटरनेट ग्रुप दिया हुआ है तो हम रेलेवेंट नाम यहाँ रखें और यहाँ आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए तमाम कस्टमर्स की जिसको हमने बिल करना है हर महीने एज़ पर आर रिक्वायरमेंट और उसका हमने एक ग्रुप बना लिया है हम पहले चार कस्टमर्स को आसानी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने बार बार सीमेंट सप्लाई करनी है और इसका नाम है सीमेंट सप्लाई आसानी से जिस कस्टमर को आप चाहें उसे चूज़ करें आप कस्टमर्स को एक करके भी ऐड कर सकते हैं दूसरा अगर आपके पास कीबोर्ड मौजूद है तो आप कंट्रोल का बटन दबाएं और मल्टीपल कस्टमर्स एक वक्त में सेलेक्ट कर लें और एक ही वक्त में इन्हें ऐड कर दें जब आपने ये तमाम अपने कस्टमर्स ऐड कर दिए हैं यू कैन ऐड वन एट अ टाइम और मल्टीपल कस्टमर्स एट अ टाइम वी हैव एडेड फाइव कस्टमर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस ग्रुप विच इज कॉल्ड सीमेंट सप्लाई एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो जाते के साथ ही आपको ये एक इन्वाइस के टेम्पलेट नजर आएगा जो इन तमाम जो हमने पाँच के छः कस्टमर्स सेलेक्ट किए हैं उन तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एट द सेम टाइम क्योंकि हमने सबको एक ही सर्विस देनी है और उन सब से एक ही अमाउंट लेनी है तो हम यहाँ उस चीज़ की क्वांटिटी डालते जाएंगे, आइटम बताते जाएंगे और उनसे इस चीज़ के पैसे लेते जाएंगे। आसानी के लिए हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि इन सब को हमें फ्लोर प्लान्स देने हर महीने हमने इन्हें फ्लोर प्लान जो हमारे पास इनके तरफ से आया करेंगे प्रिंट करके हमने इन्हें जमा कराने हैं और इनकी प्राइस हमने दस हज़ार रुपये रख दी है यहाँ क्योंकि सर्विस का टैक्स नहीं है इसलिए ये ऑटोमेटिकली नॉन आ रहा है अगर हम अपनी तमाम इन वॉयसेस पे कोई ना कोई मैसेज लगवाना चाहें जो ये आप याद रहे क्योंकि हम बल्क इन वॉयस बना रहे हैं तो तमाम इन वॉयसेस पे आएगा बल्क या बैच आप यहां लिख सकते हैं इट हैज बीन अ प्लेजर वर्किंग विथ यू और थैंक यू फॉर बिजनेस या अपनी पसंद का कोई भी नया मैसेज ऐड कर सकते हैं हमने यहां एक मैसेज चूज कर लिया है क्लिक नेक्स्ट अब हमारे पास इन तमाम लोगों की अगर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आ गई है ये इन्वॉइस हैं जो बन जाएंगी अगर अब भी आपको इनमें से कोई डी सिलेक्ट करना है तो ये जो आपके पास सेलेक्ट का बटन है जिसमें ये राइट का नजर आ रहा है निशाना आपका आप इसे कर दें तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा ये इस लिस्ट में से निकल जाएगा लेकिन फॉर द मोमेंट अभी हम एक एक करके ज़रा फील्डें समझ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हो क्या रहा है वी कैन ऑलवेज डी सेलेक्ट एनी वन फ्राम द लिस्ट डी सेलेक्ट एनी वन की क्या जरूरत है हो सकता है इस महीने उसे बिल नहीं जाना उसने हमसे कहा था कि मैं इस वक्त शहर में नहीं हूँगा सर्विसेज ना दें हमने उसे बिल नहीं भेज रहा यू कैन ऑलवेज डी सेलेक्ट नंबर टू उसका नाम नंबर थ्री ये वो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो हमने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के साथ उस कस्टमर के साथ की हुई हैं और हमने अपने पास रजिस्टर की हुई हैं आप देख सकते हैं इन तमाम की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फ़र्क है और टर्म्स एंड कंडीशन का ताल्लुक आपका वन टू वन कॉन्टैक्ट से है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है जब हमने इस बंदे को रजिस्टर किया था जब हमने इस कस्टमर को रजिस्टर किया था तब हमने उसके साथ जो टर्म्स फाइनलाइज की थी वो हमने रजिस्टर की हुई हैं वहाँ से आ रही हैं और आप अपना पिछला लेसन देखें इसके बारे में सेंड मेथड का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों को भेजनी कैसे है क्या हमने इनको ई करना है प्रिंट करना है ये भी हम पहले डिफाइन कर सकते हैं लेकिन यहाँ इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ हम प्रिंट भी कर सकते हैं ई भी कर सकते हैं नन का मतलब यह है कि हम ये बना लेंगे और हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इन्हें भेजनी है या फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है ये क्या तरीके का है लेकिन हमारे पास ये मेथड भी रजिस्टर्ड है अमाउंट हमने अभी डिफाइन की थी और ये अमाउंट तमाम के लिए यकसा है इसमें कोई चेंज नहीं है चाहे तो हम चेंज करें लेकिन हमने जब ये ग्रुप बना दिया है तो मकसद ही फौत हो जाता है इस तरह की हरकत करने का इसलिए ये तमाम की तमाम हमारी जो इन्वाइस हैं उनमें एक ही फिक्र जानी है और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है टैक्स कोड इन तमाम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है कि ये टैक्सेबल हैं या नॉन टैक्सेबल हैं और टैक्स रेट लिखा हुआ है लेकिन टैक्स सामने नज़र नहीं आ रहा अगर आपको याद हो कि जब हमने ये इन्वाइस बना रहे थे तो हमें पता चल गया था कि ये जो सर्विस हम दे रहे हैं दैट इज़ नॉट टैक्सेबल भले वो आदमी टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो अगर ये सर्विस ही नॉन टैक्सेबल है तो उसे जबरदस्ती टैक्स हम नहीं काटेंगे जब ये सर्विस ही के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो दिस इज एग्जेमटेड फॉर ऑल टोटल आ गया स्टेटस आपका कंप्लीट हो गया आपने कहना है सिर्फ और सिर्फ एंड में क्रिएट इन्वॉइस तो हमारे पास इन इफेक्ट पांच इन्वॉइसिस क्रिएट हो जानी चाहिए आइए इन पांचों इन्वास को क्रिएट करते हैं जैसे ही हमने ये क्रिएट की हमारे पास एक लिस्ट आ गई है कि पांच इन्वाइसिस किस टाइप की हमने क्रिएट की है प्रिंट वाली कोई नहीं है ई वाली तीन है और अनमार्क जो हम बाद में डिसाइड करेंगे क्या हमने मेल करनी है क्या इनको एस करनी है क्या इनको हमने प्रिंट करके घर भिजवाना है या ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आके इन्होंने पैसे पहले से ज़्यादा जमा कराए हुए हैं वहीं से इनके पैसे कट जाएंगे दिस वी आर गोइंग तो टू डिसाइड लेटर लेकिन जो हमने पाँच इन्वायसें क्रिएट की थी उसका मेथड ऑफ सेंडिंग हमारे पास क्लियरली सामने आ गया है ये इन अब क्रिएट हो गई हैं इनको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट इन में क्रिएट इन में अगला नंबर नज़र आ रहा है लेकिन हमें अगर पिछली इन वॉयसें देखनी है तो आप अपना कर्सर ऊपर लेके जाएं जहां ये दो एरो बने हुए हैं इन एरो से हम आगे और पीछे नेविगेट कर सकते हैं पिछली इन वॉयसें हम देखें तो ये वो तमाम अफराध हैं ये तमाम हमारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए हमने मास प्रोड्यूस्ड बैच इन बना दी हैं अभी हमने क्योंकि इतना ही टाइम था हमारे पास पाँच कस्टमर्स के लिए बनाई है लेकिन ये तमाम जो हमने क्रिएट की थी तमाम जितने भी हमारे कस्टमर हमने चूज करके ऐड किए थे उस ग्रुप में वो तमाम के तमाम के मौजूद है और उनकी तमाम मौजूद हैं इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बैच प्रोसेसिंग क्यों फायदेमंद है क्यों इस्तेमाल की जाती है हर चीज की कोई इफादियत है जब भी क्विक बुक्स ने उसको अपने अंदर इस्तेमाल किया हुआ है सेव किया हुआ है और ये फैसिलिटी तमाम सर्विस प्रोवाइडर जो मास प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इनवाइसे उनके लिए बेहतरीन है तो नाउ यू अंडरस्टैंड द नीड रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू गो अबाउट क्रिएटिंग मास मैक्सिमम इनवाइस इन सिंगल बैच एंड हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप विद इन योर क्विक बुक्स टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट एट वंस नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग अगल इनवाइस एंड क्रिएटिंग मल्टीपल इनवायस इन अ बैच मोड विद इन क्विक बुक्स हमने इस बैच मोड में एक ग्रुप बनाया एक ग्रुप क्रिएट किया उसमें बहुत सारे अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स ऐड किए और उनको बैक वक्त बहुत सारी इन्वाइस भेज दी हमें तरीका भी आता था किस तरह से भेजना है हमें ये भी पता था टैक्स उनके ऊपर कितना है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ क्या तय हुई हुई हैं और अब आपको समझ में ये भी आ गया है कि इफादियत क्या है बैच प्रोसेसिंग की बैच प्रोसेसिंग में हमें एक ही टाइप की रूटीन की इन्वाइस बहुत सारी दफ़ा नहीं बनानी पड़ती रूटीन का काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बहुत अच्छा करता है हम लोगों से आप इसकी छोटी सी मिसाल ये लें कि आप एक दफ़ा साइन करें दूसरी दफ़ा साइन करें आपके दोनों साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे लेकिन कंप्यूटर वही साइन बार बार प्रिंट करेगा एक ही तरह तो याद रहे रूटीन काम हमने कंप्यूटर से ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं थैंक यू सो मच